हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक चौधरी, आप लोग का स्वागत है हमारे चौधरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी अपने फ़ोन में से किसी को सेंड करते हैं एप्लीकेशन या वीडियोज, या आप किसी के फ़ोन में से अपने फ़ोन में लेते हैं, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि कोई सा भी एक फ़ाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके फ़ोन में नहीं है एप्लीकेशन, तो आज की वीडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका ऑल इन वन उसका काम है, बहुत सारा उसका यूज होता है, वो MX प्लेयर। दोस्तों, MX प्लेयर में आप फ्री वेब सीरीज भी देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि MX प्लेयर को आप एक शेयरिट जैसा, एक जेंडर जैसा या गूगल फाइल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। आप MX प्लेयर से किसी को भी एप्लीकेशन या वीडियोज, कोई सा भी फाइल भेज सकते हैं और अपने फ़ोन में भी सेंड करवा सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन आपको MX प्लेयर में ही मिलेगा, इसलिए यदि आपने MX प्लेयर को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप MX प्लेयर को अपडेट कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि शेयर इट बैन हो चुका है, अब आपको कोई भी फाइल शेयर करना पड़ता है किसी में, या आपको कहीं से भी फाइल लेना पड़ता है तो आप शेयर नहीं कर पाते हैं। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन आप वीडियोज जो देखते हैं MX प्लेयर, आप उसका यूज करके अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको अपने MX प्लेयर में जाना है, MX प्लेयर को ओपन करना है। जैसे ही आप MX प्लेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ लोकल वीडियोज पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ फोल्डर के ऊपर सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट मिलता है, आपको इस पर क्लिक करके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माई डाउनलोड MX शेयर एंड लोकल म्यूजिक, तो आपको MX शेयर का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। और आप जिस भी मोबाइल में सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, उस मोबाइल में भी सेम ऐसा ही ओपन करना है। तो चलिए हम अपने दूसरे मोबाइल में MX शेयर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, हमने दूसरे मोबाइल में MX प्लेयर ओपन कर लिया है, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसमें भी आपको 3 डॉट पे जाके MX शेयर पे कर देते हैं। जैसा कि मुझे इस वाले फ़ोन से इसमें भेजना है, तो ऊपर सेंड का ऑप्शन है, तो आप ये जो व्हाइट वाला आइकन मिल रहा है आपको इसको ऊपर डाउन कर देना है, यानी कि ऊपर स्वाइप कर देना है, तो आपका सेंड होने लगे। आप जो भी चीज़ें सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम फोटोज सेंड करना चाहते हैं, तो फोटोज पे जाएंगे, आप फोटोज पे क्लिक कर देंगे, और जिस भी मोबाइल से आप रिसीव करना चाहते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको नीचे डाउन करना है रिसीव पे। पहले आपको यहाँ से शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है, और आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसे आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप सब चीज़ अलाउ कर देंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ शो QR कोड पे क्लिक करके आप यहाँ स्कैन QR कोड भी करके आप यहाँ से अपने डिवाइस को लॉगिन करवा सकते हैं। ये MX प्लेयर में हो रहा है बिना किसी शेयरिट और बिना किसी गूगल फाइल के द्वारा। तो ये कुछ देर के बाद आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। गाइस, हो चुका है यहाँ पे हमारा फ़ोन कनेक्ट, हमने जो भी फाइल सेंड किए थे वह चल चुका है हमारे दूसरे फ़ोन में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब यहीं से आप यदि दूसरा फाइल भी सेंड करना चाहते हैं तो आपके सामने सभी फ़ोटोज शो होगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि हमने जो फाइल रिसीव किया है या सेंड किया है तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपके फ़ोन में यहाँ पे जैसे ही आप MX शेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सेंड और रिसीव के नीचे हिस्ट्री और इनवाइट का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से इनवाइट करके किसी को QR कोड स्कैन करवा के उसका ऑन करवा सकते हैं MX शेयर। और यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके सामने सेंड किए हैं और रिसीव किए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप वीडियोज भी इसमें देख सकते हैं और अपना फाइल ट्रांसफ़र भी इससे कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से यह काम करता है। सो गाइस, तो देखा आपने कितना आसान है MX प्लेयर में किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना और किसी को भी भेजना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।